नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। ताजमहल को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। लगातार राजनीतिक गलियारों में ताजमहल को लेकर राजनीति की जा रही है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से ताजमहल को हिंदुओं का शिव मंदिर तेजो महाला बताकर राजनीतिक हवा दी जा रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ताजमहल का ये विवादित नाम तेजो महाला आया कहाँ से? दरअसल ताजमहल का तेजो महाला नाम सबसे पहले एक मराठी किताब से आया। इसके लेखक पीएम ओक ने 1960 से 1970 के दशक में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किले को लेकर कई विवादास्पद किताबें लिखी। ओक ने इन किताबों में ताजमहल को शिव मंदिर, लाल किले को हिंदू इमारत और फतेहपुर सीकरी को एक हिंदू नगर बताया था। जब ओक ने किताबें लिखी थी तब ना तो बीजेपी पार्टी बनी थी और ना ही उस वक्त इन किताबों को लेकर कोई विवाद हुआ था। ताजमहल के अलावा ओक ने काबा पर भी अपनी किताबों में उस वक्त सवाल उठाए थे। यही नहीं, ओक ने क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति और वेटिकन सिटी को वाटिका तक बताया था। पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ पीएन ओक एक पत्रकार और इतिहास लेखक थे। वो हिंदू विचारधारा इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ताजमहल, एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी, हिंदू नगर आदि किताबें लिखी थी। इंदौर में जन्मे ओक के पास एमए और एलएल की डिग्री थी। वो लंबे समय तक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। तो आपको बता दें कि ओक ने किताब लिखी जिसके बाद से सारा का सारा विवाद पनपा है। ताजमहल को उन्होंने ही सबसे पहले तेजो महाल करार दिया था।